हेलो जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का डुल फैमिली व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग में। और आज दिन है मंगलवार का और इस टाइम 11:30 का टाइम हो चुका है जिस टाइम से मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की है। और कपड़े धो करके ले आई हूँ मैं, और आज तो काफ़ी लेट हो गया मुझे। 11 बजे तक आ जाती थी कपड़े धो करके, लेकिन आज तो 11:30 हो गए हैं। और कपड़े आज मैं मशीन में सुखाऊंगी क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और फिर गिरेंगे कपड़े। जल्दी से सुखा करके और जल्दी से उतार करके रख दूंगी मैं। तो चलिए ले आती हूँ मशीन इस साइड और फिर मिलती हूँ आपसे। और हम सब ठीक हैं भाई, उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक होंगे अपने अपने घरों में, अच्छे से तंदुरुस्त और मस्त और अपने कामों में व्यस्त। तो मैं मशीन ले आती हूँ, और कई दिनों से मतलब कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। कई दिनों से क्या, काम तो रोज़ ही रहता है। और एक औरत के काम तो आप सभी को पता है कि हम सब औरतों को तो ख़ास तौर से पता ही है कि कभी नहीं मुकदे, चलते ही रहते हैं किसी टाइम भी, हर टाइम काम काम काम, क्योंकि आजकल दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, इस करके इसमें काम मुकण का नाम नहीं लेते। और एक वीडियो में, परसों वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो भाई है छोटे वाला, चार बहन भाई हैं, हम दो बहन हैं और दो भाई हैं, तीनों की हमारी शादी हो रखी है, एक भाई की और एक मेरी बहन की, और मैं ही हूँ सबसे बड़ी बहन भाई हूँ मैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो विदेश गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन से देश में गया है। तो आज बता देती हूँ मैं कि इंग्लैंड गया है मेरा भाई, हाईलाइट्स करके गया है, अभी भी पढ़ रहा है वहीं, वहाँ पर भी। तो कई कमेंट आए थे मतलब कि कहाँ गया है, कौन से देश में गया है, तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इंग्लैंड गया है मेरा भाई। और इंग्लैंड में इस टाइम क्रिसमस डे का मेला लगा हुआ है, और मैं डालूँगी वो वीडियो भी, भेज रखे हैं मेरे भाई ने बना करके मेरे पास, तो वो डालूँगी मैं, शॉर्ट में भी डाल दूँगी और उसमें भी मतलब बड़ी ब्लॉग में भी डाल दूँगी। तो चलिए अभी मैं सुखा लेती हूँ, कपड़े सुखा देती हूँ और फिर करूँगी मैं लंच की तैयारी, मतलब कि रोटी बनानी है मुझको। सब्जी वगैरह तो ज़्यादातर हम शाम को ही बनाते हैं और खा लेते हैं हम शाम की सब्जी जो है, सुबह में मतलब कि दोपहर में खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बासी है ये है वो, ऐसे नखरे हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, खा लेते हैं, हमको जैसा मिल जाता वैसा है। क्योंकि ये देखिए भाई, कोई ज़्यादा बड़े रईस तो है नहीं है कि हर टाइम अलग सब्जी बने,
एक टाइम बन जाए वो ही काफ़ी है, क्योंकि सब्जियां भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और खेत में यहाँ पर नहीं उगाते मेरे मायके साइड में, तो मतलब कि मेरे मायके में तो हर सब्जी खेत में उगाते हैं हम लोग। यहाँ यह है कि पशुओं का बहुत ज़्यादा, आवारा पशु जो हैं उनका बहुत ज़्यादा उजाड़ है, इसलिए सब्जी वगैरह खेत में नहीं उगा सकते। उगाई हैं थोड़ी बहुत, पिछले साल तो नहीं, उससे पिछली साल हमने लगा रखी थी पालक, धनिया, मेथी, मूली, गाजर, ये सब कुछ खेत में लगा रखा था। लेकिन अब की बार उस साइड वाले खेत में बरसीन बो रखी है। किसी दिन मैं खेत में गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, खेत की वीडियो बना करके ले करके आऊँगी। अभी तो खैर मम्मी जा रही है खेत में, जब मैं जाऊँगी तब बना करके ले करके आऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ तो हमको सारी सब्जी जो है खरीदनी पड़ती है, और वहाँ लगाई थी मैंने रेती पर थोड़ी सी धनिया, मेथी और पालक, वो अभी छोटी हैं। एक गाणी सूख गई है कपड़े की, वह काट लियो और उसके बाद दूसरी गेरी और मम्मी के लिए बनाऊंगी चाय, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो देखिए सुबह के काम के बाद अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, और अभी जिस टाइम की ये क्लिप है उस टाइम 5 बज चुके थे शाम के, और जब मैं सब्जी तड़क रही थी अपनी, और आज मैंने सब्जी बनाई थी आलू मटर की। आलू पहले ही बॉईल कर चुकी थी मैं, और उसके बाद मैं छोंक रही थी सब्जी, और जैसी वगैरह मैंने डाल ली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस कर वैसे भी ठंड हो चुकी है अब तो। और सब्जी तो मैं कुकर में ही छोंकती हूँ ज़्यादातर, जो सब्जी ऐसी होती है जो कि चूल्हे पर हो जाएगी वही चूल्हे पर या आरे में बनाती हूँ, बाकी नहीं तो फिर मैं सब्जी को कुकर में ही छोंकती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए और एंजॉय कीजिए व्लॉग को, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए करा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, कल मिलते हैं।